देख रहे हैं ना, ये यूपी है भैया, यूपी। यहाँ फॉर्च्यूनर का दबदबा देख रहे हैं। बारिश में बाहर कौन निकलेगा, सीधे रैंप पर चढ़ा दी गई गाड़ी, और गाड़ी भी किसी ऐसे वैसे की नहीं है, ये गाड़ी है यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की। तस्वीर है लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की, जहां मंत्री धर्मपाल सिंह को ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल ना चलना पड़े, इसलिए उनकी कार को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक डायरेक्ट पहुंचा दिया गया, जिस रैंप पर दिव्यांगों को लेकर जाते हैं ताकि उनके लिए कोई असुविधा ना हो। यहां तो भैया मंत्री जी ने अलग ही शुरुआत कर दी, बकायदा कार को दिव्यांगों के लिए बने रैंप पर चढ़ाकर एस्केलेटर तक पहुंचा गए। इस घटना के चलते मौके पर मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल ये घटना लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की है। यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को ट्रेन नंबर 13005 हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल से लखनऊ से बरेली जाना था। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली थी। ऐसे में मंत्री धर्मपाल सिंह को ज्यादा पैदल ना चलना पड़े, इसीलिए उनकी कार को सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास बने एस्केलेटर तक ले जाया गया। इस दौरान स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे और इसके चलते उनके बीच अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि जिस समय मंत्री जी को स्टेशन पहुंचकर ट्रेन पकड़नी थी, उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में मंत्री अपनी कार से नहीं उतर सकते थे, इसीलिए कार को एस्केलेटर तक ले जाया गया। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, जैसे ही कार एस्केलेटर तक पहुंची, पास में खड़े यात्री ये देखकर चौंक गए। वहीं सीओ चारबाग संजीव सिन्हा ने हमारे संवाददाता को बताया कि मंत्री जी की ट्रेन छूट रही थी, बारिश तेज हो रही थी, इसीलिए उनकी कार को रैंप से होकर एस्केलेटर तक जाने की व्यवस्था की गई। चलिए साहब ने बता दिया, लेकिन मंत्री धर्मपाल सिंह का अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मजे लेते नजर आए कि अच्छा हुआ ये बुलडोजर से स्टेशन नहीं गए थे। बहरहाल मंत्री जी के इस वीडियो को लेकर अब सोशल मीडिया पर खूब बहस की जा रही है। वहीं अभी तक इस मामले पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।